हीलोफाई हिंदी सब्सक्राइब करें और घंटी दबाएं ताकि आप हमारा हर वीडियो देख पाएं। हेलो एवरीवन, हीलोफाई हिंदी के नए यूट्यूब वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी 6 चीजों के बारे में जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि गर्भावस्था के दौरान बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो आप भूल से भी इन 6 चीजों को बिल्कुल ना करें और जान लेते हैं कि वो 6 चीजें कौन सी हैं। तो उसके लिए चलिए शुरू करते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार हमारे चैनल पर आई हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले सभी वीडियोस आप सबसे पहले देख पाएं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपको प्रेगनेंसी या प्रेगनेंटिंग से जुड़ी किसी तरह की जानकारी चाहिए या फिर आप अपनी जैसी कई अन्य महिलाओं से जुड़ना चाहते हैं तो आप हीलोफाई ऐप को अपने फोन में अभी डाउनलोड कीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से डायरेक्टली ऐप को अपने फोन में डाउनलोड कर सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस चीज़ की जो आपको प्रेगनेंसी के दौरान यानी कि पूरी गर्भावस्था के दौरान 9 महीने तक बिल्कुल नहीं करनी है, और ये है गुस्सा करना या फिर बहुत ज़्यादा शोरगुल वाली जगह पर रहना। तो आपको लग रहा होगा कि इससे बच्चे पर क्या असर पड़ सकता है। तो जनाब, जो बच्चा है वो 12वें हफ्ते से आपकी आवाज़ सुन सकता है, बाहर की आवाज़ सुन सकता है। तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा क्रोध ना करें, बहुत ज़्यादा शोरगुल वाली जगह पर ना रहें, बहुत ज़्यादा चीखे चिल्लाए नहीं खुद भी। और डरावनी चीज़ें अगर आप ना देखें, जैसे हॉरर मूवीज़ इस तरह की चीज़ें ना देखें कि बच्चे पर भी इसका असर पड़ सकता है। तो कहते हैं कि ऐसा अगर आप करेंगे तो बच्चा जो है वो कमज़ोर हो सकता है, उसके विकास पर भी असर पड़ सकता है। तो आप क्रोध से भी दूर रहिए और शोरगुल जैसी जगहों से भी दूर रहिए। तो ये सब आपके स्ट्रेस से भी जुड़ा हुआ है। तो प्रेगनेंसी में स्ट्रेस वैसे भी अच्छा नहीं होता, आप ये बात जानती होंगी। तो इन सब चीज़ों से दूर रहिए, स्ट्रेस से दूर रहिए, ये आपके बच्चे के लिए भी अच्छा होगा और आपके लिए भी। इसमें दूसरी चीज़ जो है वो है नींद। तो अब आप सोच रहे होंगे कि प्रेगनेंसी में हर कोई कहता है कि खूब सोना चाहिए, खूब आराम करना चाहिए। तो बिल्कुल आपको आराम बहुत करना चाहिए, नींद भी आपको पूरी लेनी चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं सोना चाहिए। आपको रात में 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेनी चाहिए, हो सके तो आप दिन में भी थोड़ा सा आराम कीजिए, लेकिन सुबह बहुत देर तक सोना या रात में बहुत देर तक जगना अच्छा नहीं है। जब आप सीमित मात्रा में अच्छी मात्रा में नींद लेते हैं तो उसकी ऑक्सीजन सप्लाई भी आपकी बॉडी में अच्छी होती है, जो कि बच्चे और आपके लिए दोनों के लिए अच्छा होगा। लेकिन बहुत ज़्यादा या बहुत कम सोने से बच्चे के स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है, इसलिए आप बहुत ज़्यादा ना सोएं या फिर बहुत कम ना सोएं, अपने टाइम को सही रखें, टाइम पर सोएं, टाइम पर उठें और दिन में भी आराम कीजिए। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है पीठ के बल नहीं सोना है। तो आपने ये बात अक्सर सुनी होगी कि पीठ के बल प्रेगनेंसी के दौरान नहीं सोना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान पीठ के बल बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, ये हानिकारक हो सकता है। कहते हैं इसमें बच्चे की जो पोजीशन है वो थोड़ी बदल जाती है। तो आप ऐसा ना कीजिए, बल्कि आप करवट लेके सो सकते हैं। बाईं ओर करवट लेके सोना बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन आप अगर एक तरफ करवट लेके नहीं सो पा रहे हैं तो आप करवट बदल सकती हैं, लेकिन आप सीधे पीठ के बल सीधे ना सोएं, ये अच्छा नहीं होता और इससे आपको और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। इसलिए आप सीधे पीठ के बल ना सोइए, बल्कि करवट लेकर हमेशा सोइए। एक और चीज़ का जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो ये है कि आप बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें। अब कई बार ऐसा होता है कि 9 महीने का समय है, आपको कभी सर्दी जुकाम हो जाता है, कभी हल्का बुखार हो जाएगा, इस तरह की कोई और चीज़ हो जाएगी। तो आप ऐसा ना करें कि आपने खुद ही घर में जो भी दवाई रखी थी वो आपने ले ली और उसके बाद ना डॉक्टर से पूछा ना किसी को बताया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। प्रेगनेंसी के दौरान, गर्भावस्था के दौरान आप जो भी दवाई लेती हैं वो आपको डॉक्टर की सलाह के बाद ही लेनी है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारी दवाओं का लेना बंद हो जाता है।
अब हर तरह की दवाई हम नहीं ले सकते, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और किसी भी परेशानी, अगर आपको बहुत ज़्यादा हो रही है, सर्दी जुकाम से ज़्यादा हो रही है, बुखार आपको परेशान कर रहा है, या कोई भी और समस्या आपको, पेट दर्द, इस तरह की कोई भी समस्या आपको परेशान कर रही है, तो आप उसके लिए अपने डॉक्टर से पूछें और जो वो दवाई बताएं वही दवाई आप लें, बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई ना लें। गर्भावस्था के दौरान बहुत तेज गर्म पानी से बिल्कुल ना नहाएं। तो पूरी प्रेगनेंसी में आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी कि आप प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा तेज पानी से नहीं नहाएं। अगर आप ठंडी जगहों में रहते हैं या फिर ठंडे के मौसम में आपकी प्रेगनेंसी है, तो आप ज़रूर गर्म पानी से नहाना चाहेंगी, लेकिन आप बहुत तेज़ गर्म पानी ना लें, गुनगुना पानी लें और गुनगुने पानी से ही नहाएं। बहुत तेज़ गर्म पानी लेने से जो आपका शरीर है उसका तापमान भी बढ़ जाता है, और ये बच्चे के विकास के लिए सही नहीं है, बच्चे के विकास पर इसका असर पड़ सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप गुनगुना पानी ले सकते हैं, लेकिन गर्म पानी, ज़्यादा गर्म पानी आप बिल्कुल भी उसे नहाने के लिए इस्तेमाल ना कीजिए। और छठी जो चीज़ जिसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, वो ये कि आप प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा चाइनीज़ फूड को अवॉइड कीजिए, चाइनीज़ फूड ना खाएं। दरअसल होता क्या है कि चाइनीज़ फूड में बहुत ज़्यादा मात्रा में अजीनोमोटो का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि बच्चे के दिमाग पर असर कर सकता है, उसके दिमाग के विकास पर असर कर सकता है। तो आप चाइनीज़ फूड से बहुत ज़्यादा दूर रहें। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर महिलाओं को फूड क्रेविंग्स होती है, किसी को चटपटा मसालेदार खाने का मन करता है, बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाने का मन करता है, तो चाइनीज़ फूड तो सभी का ऑल टाइम फेवरेट होता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आप चाइनीज़ फूड से बिल्कुल दूर रहें। ये जो अजीनोमोटो है ये बच्चे के स्वास्थ्य के लिए सही नहीं होता है, तो आप चाइनीज़ फूड को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए। इसकी जगह आप घर पर ही कुछ बनाकर खा सकती हैं, लेकिन चाइनीज़ फूड या बाहर का खाना, ज़्यादातर अधिकतर आपको चाइनीज़ फूड से दूर रहना है। तो चाइनीज़ फूड से बिल्कुल दूर रहिए, ये बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। तो लेडीज़, ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने देखा कि वो कौन सी 6 चीज़ें हैं जिनको आप वैसे तो नज़रअंदाज कर सकती हैं, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान इन पर थोड़ा गौर कीजिए और इनको बिल्कुल भी ना दोहराइए। तो ये आपके लिए और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी मदद मिले तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही कॉमेंट करके हमें बताएँ कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा आप कॉमेंट सेक्शन में हमें ये भी लिख के बता सकती हैं कि आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर देखना चाहती हैं। तो चलते चलते, अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार आप हमारे चैनल पर आई हैं, तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे आने वाले जो सभी वीडियोस हैं वो आप सबसे पहले देख सकते हैं। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और नीचे घंटी को दबा दें।